हमारी आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर ईच लूप वीवीएम माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग में। हमने फोर लूप के बारे में लास्ट में डिस्कस किया था, आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं फोर ईच लूप के बारे में। फोर ईच लूप आखिर करता क्या है? तो उसके लिए चलिए एक सिंपल सा डेटा बनाते हैं, फिर उसमें हम फोर ईच लूप को एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ और कुछ और चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल सा डेटा है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो डेटा है, एक डेटा हमारा बैंक से आया हुआ है, एक डेटा हमारा बैंक से आया हुआ है, दूसरा डेटा मान लीजिए हमारा टैली का है। तो बैंक डेटा में क्या है कि यहाँ पे अकाउंट नंबर है और अकाउंट नंबर जैसे होते हैं इस तरह से है। सपोज दैट इस तरह से हमारे पास बहुत सारे अकाउंट नंबर है और उसके रिगार्डिंग मान लीजिए हमने सैलरी दिया है। और यहाँ पे बट यहाँ पे जो है उसमें दिक्कत यह है कि HDFC लगा हुआ है, राइट सर? और कहीं कहीं पे SBI भी लगा हुआ है और कहीं कहीं पे HDFC बाद में है, आपका बैंक नेम बाद में है इस तरह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे PNB है और कहीं कहीं पे जो है यहाँ पे PO SBSB और यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंट नंबर ICICI। तो पैटर्न कुछ अलग है जिससे हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते। हालांकि इसको हमने बाद में VLOOKUP से कर लिया था, लेकिन हम VLOOKUP से हमने स्टार की मदद से कि हमने यहाँ पे लगाया VLOOKUP, इसको सिलेक्ट किया और टैली में गए एंड कॉपी टू कॉपी जीरो आया। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ स्टार लगा देते हैं तो लुकअप हो जाता है, right, sir? लेकिन इसी बहुत सारे कॉज बिकॉज हैं तो हम छोड़ते हैं। हम देखते हैं भाई, हम नॉर्मली करना चाहते हैं कि इसको कॉपी करें और इसमें मैं कंट्रोल F फाइंड करते हैं, रिजल्ट आया, उठाया, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट। इसी चीज को हम VVA के थ्रू करना चाहते हैं। तो रमेश जी, तेजेंद्र जी, जाहिद जी, प्रोजेक्ट समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। तो इसको हम क्या करेंगे, हम विजुअल बेसिक पे जाते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट लेते हैं या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, सब्जेक्ट से करते हैं, सब्जेक्ट और फंक्शन दोनों हम करेंगे। चेक के नाम से हमने बनाया हुआ है तो हमें बैंक टू टैली जाना है, ठीक है सर? तो यहां पे हम करते हैं कि फोर ईच आर इन सेलेक्ट। उससे पहले हमें यहां पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा ना रेंज का, कि डिम आर एज ए रेंज और लिखते हैं कि फोर ईच आर इन सिलेक्शन। नेक्स्ट
और फिर एक और हम यहाँ पे करते हैं कि dim k as a range, और यहां पे भी हम देते हैं कि 4 k 4 h k in। अब इसका हमने लिख दिया हुआ है फिक्स है शीट्स टैली टैली डॉट रेंज। रेंज में हमने बोला कि A1 से स्टार्ट होगा एंड होगा रेंज A1 डॉट एंड एक्सलेस आउट। ये समझ में आया कि इसमें सर? हमने बोला कि भाई हम रन करने से पहले एरिया सिलेक्ट करेंगे, जितना हम आईडी अकाउंट सिलेक्ट करेंगे उसके एक एक अकाउंट को जाएगा और टैली के अंदर स्टार्टिंग से जो डेटा नीचे है नीचे के टैली इसमें ढूंढेंगे। तो इसका रेंज उसने ऑटोमेटिक ले लिया कि A1 से लेके लास्ट करेंगे, राइट सर? इसलिए हमने दो हीस लगाया है। अब प्रॉब्लम है कि इफ कंडीशन तो लगे लगी, इफ में हमारा लाइक कमांड नहीं होता, मतलब कि स्टार वगैरह मैच नहीं कर सकते। काउंट इफ में कर सकते हैं या फिर वी लुकअप में कर सकते हैं, बट वी लुकअप यहां हम नहीं लगा सकते, किसी का डेटा मैच नहीं किया तो रिजल्ट एनए देगा, फिर एनए हैंडलिंग के लिए हमें कुछ लगाना, तो हम काउंट इफ यहां पे देते हैं। यहां पे हम एक वेरिएबल लेते हैं कि dim c as a long, जो कि काउंट को रखेगा, लॉन्ग या इंटीजर ले लीजिए, और c इक्वल टू यहां होगा कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ, तो काउंट इफ में रेंज हमारा k होगा और मैच हमको करना है स्टार, इसके साथ कॉन्केटनेट किया r डॉट वैल्यू। फिर कंडीशन में इफ लगेगा कि इफ अगर इफ सी इज ग्रेटर देन जीरो देन यहां इसकी ए जो वैल्यू है ए वैल्यू यहां इसके सामने आना चाहिए सी के सामने, तो यहां लिखते हैं आर डॉट ऑफसेट 0.2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू के डॉट ऑफसेट ऑफसेट 0.1 डॉट वैल्यू, और यहां पे एंड इफ लग जाएगा और फिर वापस हम सी को खाली कर देते हैं सी इक्वल टू जीरो, ये जो रही है ये रहा नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट आई नहीं होगा, यहाँ नेक्स्ट आर होगा और यहाँ पे नेक्स्ट के। अब इसको एक बार रन करके दिखाता हूं मैं आपको, डिबग फोर एच के एन शीट्स, ओ हाँ हमने शीट्स टैली यहाँ किया है ना, ये टैली शीट्स हम तीनों रेंज पे करना पड़ेगा, एक छोटी सी दिक्कत यहाँ आ गई, हम भूल गए नहीं इसमें नहीं इसमें, हाँ यहाँ भी करना पड़ेगा, और ये जो हमने रेंज A1 मैनुअली लिख दिया है यहाँ पे मैनुअली नहीं लिखाएगा, इसको भी देना होगा
रेंज ये वाला, जब अलग सीट का होता है तो इस तरह से करना पड़ता है। हेलो सर, हेलो बोलिए सर। मैं जैसे हमने तो उसको पहले डिफाइन किया हुआ है, मतलब फोर इंच के शीट टैली, तो उसके बाद की उसकी पड़ती जरूरत। एक मिनट कहाँ हमने डिसाइड किया हुआ है? नहीं, जैसे हमने पहले इसमें डिफाइन किया हुआ कि 4 इंच के इन शीट्स टैली रेंज, तो ऑब्वियसली अगर शीट्स टैली है तो दोबारा दोबारा क्यों हम कर रहे हैं इसको, मतलब यहाँ हमने शीट जो टैली रेंज हुआ इसके लिए हुआ ना, इसके अंदर जो रेंज लगा हुआ है उसके लिए तो नहीं ना है। शीट्स हमने डिफाइन कर दिया, नाम डिफाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली उसी रेंज के अंदर जाएगा। मतलब शीट्स नाम, जैसे शीट्स हमारी है, शीट का नाम किस शीट काम करना है, टैली है, और उसके किस रेंज में काम करना है, डॉट रेंज। आपने यहाँ पे लिख दिया शीट्स, यहाँ पे जी सर शीट ने, जो भी है हाँ जी रेंज दे दिया, इसके अंदर आप A1 मैनुअली लिखते हो तो एक जी सर होता है, लेकिन इसके अंदर आप यहाँ पे A1 लिख दिया और इसके बगल में फिर आप लिख रहे हो रेंज B2। ये B2 जो है सीट 1 का नहीं माना जाएगा, एक्टिव सीट का माना जाएगा। तो सर वही शीट तो है एक्टिव, आई मीन नहीं शीट पे एक्टिव सीट, ये सीट यहाँ पे टैली एक्टिव थोड़ी है हमारा, यहाँ तो बैंक एक्टिव है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये, अगर मान लीजिए टैली है हमारा, टैली है तो टैली का ए आपका रेंज जो है टैली का नहीं बैंक का माना जाएगा, क्योंकि बैंक एक्टिव, इसलिए तो एरर आया था सर। अब एरर नहीं है, अब देखिए, अब इसको एक बार रन करता हूं मैं चेक को, स्टार लगा 8 और 12, ठीक है मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। सीट है 01, अब इस बार जो है अच्छा हाँ, हमने हमने कोई सिलेक्शन नहीं किया हुआ है, इसलिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले ना। आ गया नंबर सर, तो इसमें क्या है कि हमें रन करने से पहले जितना एरिया सिलेक्ट करें, इसमें दो चीज देखिए, हमने पहला लूप लगाया हुआ है, मतलब कि जो बैंक सीट है उसमें जितना आप अकाउंट को सिलेक्ट करोगे उतने अकाउंट के एक एक को जाएगा और टैली के साथ एक एक के साथ मैच करेगा, जो मैच करेगा उसके सामने वाले वैल्यू उठाएगा और आपको यहाँ पर रखेगा, राइट सर। इसलिए यहां पर लगाया 4 इंच सिलेक्शन, और फिर इसमें क्योंकि हमारा इसका टैली शीट पे जाकर पूरा में ढूंढना है, तो पूरा के लिए हमने बोल दिया कि शीट टैली का A1 से लेके एंड एक्सेलस अप तक जाए तो पूरा उठा लेगा। फिर हमने बोला कि एप्लीकेशन वर्कशीट वैल्यू के में, मतलब कि टैली के क्या हो गया हमारा, टैली हो गया, के में और आर की वैल्यू को मैच करो। अब जरूरी नहीं है कि आर की जो वैल्यू हमारी जो अकाउंट नंबर है, मान लीजिए 44141 उठा है, टैली पे कहां होगा, इसलिए पूरे को पूरे में 1 by 1 जाके मैच करेगा। मैच करने पर काउंट लेगा, उस काउंट को सी पे स्टोर करेगा, और इफ
सी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि सी पे अगर वैल्यू स्टोर हुई है तो आर की जो ऑफसेट, आर की जो सेल की वैल्यू है, मतलब दूसरे नंबर कॉलम की जो वैल्यू है जीरो वन टू, मतलब दूसरे नंबर कॉलम तीसरा हो जाएगा, फिर ये दूसरा तीसरा होगा जीरो वन टू, इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को टैली के दूसरे सीट से जीरो वन से रिप्लेस कर और सी को वापस जीरो कर दे ताकि अगली बार यहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाए अगर मैच ना करे। समझ में आया आप लोगों को? अब इसी को फंक्शन के थ्रू अगर करें तो, चलिए फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं आप लोग, इससे पता लगाइए कि हाँ फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या ये इंपॉर्टेंट। तो फंक्शन हमने यहां पर लगाया फंक्शन, और फंक्शन में दिया मान लीजिए हमने देते हैं सी एच के नाम से बनाया, और ये हमारा हो जाएगा एन एज ए अकाउंट नंबर है, तो हमने यहाँ पे वेरिएंट कर देता हूँ, तो ये कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे आर एज ए रेंज और सी एज ए लॉन्ग कॉल, मतलब कि जब हम फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे सी एच के, ए हमारा अकाउंट नंबर हो गया ये रहा, और टैली में जाएंगे ये हमारा रेंज हो गया, और मुझे एक पहले कॉलम की डेटा चाहिए तो वन कर दिया, तो ए टू की वैल्यू कहाँ स्टोर हो गए एम के ऊपर, रेंज जो हमारा है टैली का वो आर पे स्टोर हो गया, असाइन हो गया, और जो वन लिखा हो सी पे साइन। अब यहाँ पे देते हैं कि डिम आर एज ए रेंज, और फिर देते हैं कि फोर इच आर इन, तो आर नहीं होगा यहाँ पे मान लीजिए के, आर को डिफाइन है ना के, कि फोर के इन आर और नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, और यहां पे देता हूं अब ऊपर एक और वेरिएबल देता हूं कि dim c as a long, और ये जो हमने किया हुआ है ये सेम चीज हम यहां करेंगे, लेकिन इसमें हमें k में किस में मैच करना है, k में, सही है, और यहाँ पे r डॉट वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ n कर देते, और कंडीशन होगा, बाकी कंडीशन होगी हमारी ऊपर तो कंडीशन दी हुई है, इफ c इज ग्रेटर देन जीरो देन, हमने यहाँ पे बोले यहाँ पे सी एच के इक्वल टू r डॉट आर में के होगा के डॉट ऑफसेट जीरो कॉमा हमारा सी लॉन्ग है सी डॉट वैल्यू, और यही पे हो जाएगा हमारा एग्जिट फंक्शन, क्योंकि हमें मिल गया तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें हम फंक्शन लगाते हैं, डुप्लीकेट आ गया सी, एक के होगा, रिजल्ट आ गया। तो आपने देखा कि हमने जब माइक्रो बनाया तो हमें डबल लगाना पड़ा, और हम जब फंक्शन बनाया तो फंक्शन तो एक ही वो करेगा, नीचे ड्रैग कर देंगे उसके अकॉर्डिंग से रेंज चेंज होगा अपने आप चेंज कर, तो फंक्शन में ये हमारा डिक्लेरेशन हुआ, एक कैलकुलेशन हुआ, तो यहाँ पे एग्जिट फंक्शन हमने इसलिए किया क्योंकि अब यहाँ पे देखा हमने सी इक्वल टू जीरो किया क्योंकि वो हर एक को मैच करना है उसको, लेकिन इसमें हो गया कि हमें रिजल्ट, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही सेल को सर्च कर रहे हैं ना,
यही यही को सर्च करना है, रिजल्ट मिल गया इसका, अब इसके आगे सर्च करने की जरूरत ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पे एग्जिट फंक्शन का क्यों यूज किया मैंने, इसको गया, इसको सबसे पहले इसमें इसमें मैच किया, नहीं मिला, इसे मैच किया, नहीं मिला, इसे मैच नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, फिर इसे मैच किया, रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट लेके डाल दिया। अब इससे नीचे इसको मैच करने की क्या जरूरत, क्योंकि इसको रिजल्ट तो मिल चुका है। तो इसके लिए हमने एग्जिट फंक्शन, ठीक है जाहिद जी, जी सर हेलो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हेलो हाँ सर, सर मैं कह रहा था अगर मान लो एक अकाउंट की अगर डबल एंट्री होगी तो वो वहाँ पे क्या शो करेगा? देखिए अगर अगर आप ये क्या बोलते हैं मैक्रो इस्तेमाल कर रहे हैं, जी मैक्रो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्रो में कोडिंग क्या है कि इस पूरे को चेक करना है, तो लास्ट वाले को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है? नहीं नहीं वो रिजल्ट क्या देगा, लास्ट वैल्यू रखेगा। वैसे मान लीजिए कि 1141 दो बार है, तो दूसरा बार जो होगा ना नीचे वाला सबसे लास्ट वाला 1141 उसकी वैल्यू अपडेट करेगा। जैसे वीलू को आप लगाते हैं तो वीलू को में दो बार होता है तो पहली शो करता है ना, लेकिन ये क्या हुआ दूसरी को शो करेगा। और फंक्शन यूज करते हैं तो फंक्शन में एग्जिट फंक्शन लगा हुआ है तो पहले ही शो करेगा, तो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, ठीक है सर? किसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत सर। हम आपके साथ लूप का अगला सेक्शन डू लूप व्हाइल लूप बताएंगे और एक प्रोजेक्ट और करेंगे सर।